के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अंबेडकर पर गोरखनाथ में हुए मर्डर में वांछित 25,000 का इनामी गोलू उर्फ वैभव एड्रिल से पुलिस की हुई मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सिकरीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की रात मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, नाजुक हालत में पीड़िता को छोड़कर हुआ फरार, टीम गठित कर कार्रवाई में जुटी पुलिस, एसपी साउथ ने कहा जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा, सभी पात्र किसानों को योजना के लाभ पहुँचाने के दिए निर्देश। दरवाजे पर कचरा रखने के विवाद में चली गोली, एक युवक घायल, हालत गंभीर, एएसपी ने कहा मुख्य आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी, मामला चिलवाताल थाना क्षेत्र के अमावा का। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कुपोषण दूर करने संबंधित बैठक, पुष्टाहार वितरण को दुरुस्त करने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ सीधे हो गई एफआईआर। 5 सूत्री मांग को लेकर गैर भाजपा दलों के पार्षदों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन, मेयर और नगर आयुक्त पर विकास कार्य ठप करने का लगाया आरोप, कहा प्रत्येक वार्डों में 40-40 लाख के विकास कार्य नहीं तो होगा आंदोलन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसएफ बीएन सिंह ने कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार 25 जून से ही खुलेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालय, 15 जुलाई तक सभी बच्चों को मिल जाएगा ड्रेस, जूता और मोजा और बैग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आयोजित हुई सामाजिक अनुभूति पर कार्यशाला, चलो गांव की ओर विषय पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने गोंड जाति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया मंडलायुक्त को ज्ञापन, कहा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। पिंडारी बिल्डिंग में सालों से दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने लगाया न्याय की गुहार, शहर काजी मुफ्ती मौलाना वलीउल्लाह ने बिल्डिंग मालिक पर लगाया मनमानी करने का आरोप। और सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 मंडल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइज को हराकर बनी चैंपियन।